हे आप सबका स्वागत है दोस्तों, द रोज़ वर्ल्ड में मैं हूं अंजन। आज बहुत ही एक ख़ास वीडियो लेकर आया हूं, स्पेशली आप सब जो यूट्यूबर्स है या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम में अपना पिक्चर जो है अपलोड करते रहते हैं, तो क्यों ना आप सब, ये ज़रूरी नहीं आप सबको एक अच्छा एडिटर होना चाहिए या फिर अच्छा फोटोग्राफर्स होना चाहिए। आप सब अपने घर में कंप्यूटर है तो बस एंड फोटोशॉप है, तो आप सब ऐसी जो मैं आज दिखाने जा रहा हूँ ऐसी पिक्चर को आप बना पाएंगे। इसको आप अपने घर पर भी रख सकते हैं वॉल में, या फिर आप कहीं पर भी इस पिक्चर को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं आप सबके लिए द रोज़ वॉल में। मैंने फोटोशॉप ऑन किया, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा, आप बस ऐसे ही करते रहिए। कोई भी आपका जो पिक्चर है आप बहुत ही बेहतरीन पिक्चर बना पाएंगे। एंड यहाँ पे 12 दे देते हैं एंड यहाँ पे हाइट को 8 रखते हैं। इंचेस पर रहेगा, 300 रेजोल्यूशन पिक्सल पर इंच, RGB कलर होना चाहिए, 8 बिट होना चाहिए एंड बैकग्राउंड का कलर वाइट होना चाहिए। बस अब जाके क्रिएट। तो ये है एक हमने जो पेज सिलेक्ट की, ऐसे आएगा। उसके बाद हमें बस इस पेज पे ही क्रिएट करना है जो भी हम चाहते हैं। तो इस पेज का हमें एक डुप्लीकेट लेयर लेना है, Ctrl+J। तो हमने एक डुप्लीकेट लेयर ले ली, हम मेन पेज पे कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेंगे डुप्लीकेट में। तो इस पेज में हमें सजाना है क्या जो हम चाहते हैं। तो चलिए आज आपको दिखाएंगे कैसे हम बहुत ही खूबसूरत सा कुछ भी बना पाएंगे। तो अपने कंप्यूटर में चलते हैं, यहाँ पे जो भी हमें पसंद है वो पिक्चर हम उठा लेंगे। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ऐसे देखते हैं जो भी आपका पसंद है। ये वाला आप वॉल सेट कर सकते हैं, आप यहाँ पे दीजिए एंड इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ऐसे। तो हमारा जो है फ्रेम तो बन गया। तो देखिए दोस्तों, पहले ही बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये फ्रेम। और इसे अगर आप थोड़ा कलर चेंज करना चाहते हैं तो Ctrl+Shift+A, तो ये सीधा फोटोशॉप कैमरा रॉ फिल्टर पे लेके आएगा। थोड़ा सा इसका हमें अगर कुछ चेंज करना है, नहीं आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, या भी करना भी चाहे तो कर सकते हैं। मैं थोड़ा चेंज करूँगा इसका कलर, यह थोड़ा ब्लूइश रहेगा, उसके बाद ओके। तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया। अब क्या करना है, हमें इसी पेज के ऊपर कुछ क्रिएट करना है इस दीवार पे। तो बस यहाँ पे जाइए, जो ये सिंबल दिख रहा है यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, तो ये आपको कस्टम शेप टूल्स मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको वो टूल्स मिल जाएगा। तो आप यहाँ से जो भी डिज़ाइन आपका पसंद है आप कर सकते हैं, लेकिन मैं तो लूँगा कुछ ख़ास। मैं आज बनाऊँगा ही कुछ ख़ास आप सबके लिए, तो मैं ये लूँगा एंड यहाँ पे ऐसे मैंने एक ले ली। अब मुझे कितना ऊपर रखना है कितना नीचे, बस मैं यहाँ से एक लाइन ले लूँगा, बस हो गया। एंड इसके मिडिल पे एक लाइन ले लेना पड़ेगा, यहाँ पे मिडिल है तो हमने मिडिल पे भी एक लाइन ले ली। तो बस हमें अभी इसके मिडिल पे होते हुए इसको ठीक करना है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, या फिर बड़ा भी करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन बस ये मिडिल पे होना चाहिए। ओके, तो इसका
फिर से डुप्लीकेट लेयर कंट्रोल प्लस जे ऐसे ले लेंगे एंड इसको अभी थोड़ा छोटा कर देंगे ऐसे एंड और एक चीज़ लेना पड़ेगा वो है कि हमें इस मिडिल पे भी इस लाइन में इन सबको रखना है तो फिर से इसका कंट्रोल एंड जे एंड यहाँ पे तो सेम हो गया उसके बाद फिर से हमें एक और कंट्रोल प्लस जे इसको इससे ज़्यादा छोटा कर देंगे या फिर इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा मुझे पता है लेकिन जो होगा वो देखते ही बनेगा। इसको थोड़ा कंट्रोल प्लस जे एंड बस सेम हो गया एंड फिर से इसे कंट्रोल प्लस जे एंड इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं एंड इसके साइज के हिसाब से इसे पास ही रख देते हैं ऐसे एंड एंटर एंड इसको कंट्रोल प्लस जे फिर से इस तरह ओके हमारा ऑलमोस्ट बन गया फ्रेम। इसको हमने अभी फ्रेम बनाया सबका सेम होना चाहिए। देखिए लिखा है 0.073 इंच तो बस हमारा फ्रेम जो है वो बन गया। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है अभी से तो बाद में बनाएंगे तो और कितना खूबसूरत होगा। तो जो भी हो फ्रेम तो हमारा बन गया है। अभी इस चारों पांचों फ्रेम है यहाँ पे पांचों फ्रेम को कंट्रोल से एंड क्लिक करके सबको सिलेक्ट कीजिए एंड राइट क्लिक एंड मार्च शेप तो एक ही लेयर पे ये आ गया। देखिए दोस्तों हो गया। तो हमें अभी करना है कि पिक्चर लेना है कौन सा पिक्चर आप इसमें ऐड करेंगे। जैसे मैं मेरा ही पिक्चर देके आपको दिखा देता हूँ मेरा पिक्चर कहाँ पे रखा है। थोड़ा बहुत ढूंढना पड़ेगा आई थिंक यहाँ पे मिल गया तो ये पिक्चर लेते हैं ये पिक्चर लेते हैं ये हमें पांचों पिक्चर चाहिए एक दो तीन चार हो गया और एक कौन सा दो ये वाला तो ये पांचों हो गया। हम यहाँ पे पांचों पिक्चर डाल देते हैं ओके। पहले देखिए दोस्तों हम एक पिक्चर देके आपको दिखा देते हैं कि कैसा हो जाएगा ये। इसको लेके वन मिनट आपको मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ। पहले इस लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे उसके बाद आप कोई भी पिक्चर लीजिए एंड यहाँ पे जाके उसको रखिए। देखिए अभी पिक्चर आया नहीं फ्रेम के अंदर तो क्या करना है यहाँ पर जाना है एंड ऑल्टर को प्रेस करना है। तो देखिए एक सिंबल आता है डाउन एरो का तो अभी बस क्लिक करना है आपको। क्लिक किया देखिए पिक्चर फ्रेम के अंदर तो है ना कमाल का।
तो ये जो पिक्चर फ्रेम के अंदर आ गया, हमें बस यही चाहिए। एंड एंटर, तो एक पिक्चर आ गया। ऐसे ही सारे पिक्चर को हम ला पाएंगे, ऐसे ही धीरे धीरे। ऐसे रखिए, ऐसे एंटर कीजिए एंड एंटर। ओके, एंड दूसरा कोई पिक्चर, ये पिक्चर ले जाते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं एंड एंटर। आप समझ रहे होंगे कि मैंने पांचों पिक्चर की बात की और पांचों पिक्चर नहीं दिए, तो मैं ऐसे ही बनाना चाहता था। अब भी अपने मर्ज़ी से कुछ भी बना सकते हैं, सब आपके मर्ज़ी के ऊपर है। मतलब ये फोटोशॉप का कमाल है कि आप कुछ भी बना पाएंगे। तो बस मैंने ऐसे ही बनाया, आप अपने हिसाब से बनाइए। आपको अगर पांचों की जगह 10 पिक्चर यहाँ पे ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं ऐसे। तो ये जो देखिए दोस्तों, पहले हमारा फ्रेम में पिक्चर आ गया। अभी क्या करना है, अभी ये जो फ्रेम है इसमें डबल क्लिक करना है एंड आउटर ग्लो जो है वो यहाँ पे डाल देना है। एंड आउटर ग्लो ज़्यादा नहीं, बस यहाँ पे 2 ठीक रहेगा आई थिंक, मेरे ख्याल से, या फिर 3 देना है। उसके बाद ड्रॉप शेडो, ड्रॉप शेडो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे जो 3D इफेक्ट है वो बाहर निकलता है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मैं इसको यहाँ पे दूंगा 90 डिग्री पे एंड, क्योंकि ऊपर से लाइट गिर रहा है, मैं नीचे शेडो दूंगा। सब कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा कि लाइट कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे शेडो जा सकेगा। तो मैं ऐसे दूंगा, थोड़ा शेडो को ब्लर कर देते हैं यहाँ पे। आप साइज बड़ा कीजिए, शेडो अपने आप ब्लर हो जाएगा। और यहाँ से आप शेडो को डीप या लाइट कर सकते हैं। तो देखिए अभी शेडो हो गया अपने हिसाब से। तो बस अभी हमें यहाँ पे ओके करना है। तो देखिए, एंड उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, ऐसे टाइटल लीजिए, यहाँ पे लिखिए, या हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे। टाइटल लेयर को डिलीट करते हैं एंड यहाँ पे 100 लेते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं अभी जैसे द रोज वर्ल्ड। हमने अभी द रोज वर्ल्ड लिख दिया। अब इसका अभी कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं।
ग्रेडियंट में चलते हैं एंड जो भी कलर आपको पसंद है ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, बस ठीक है। एक कलर हमने चूज़ की द रोज़ वर्ल्ड, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा, या फिर इसका आउटग्लो दे दीजिए। ओके तो देखिए दोस्तों, ऐसे अगर आप पिक्चर बनाएंगे कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए एंड ऐसे ही ऑसम कुछ पिक्चर बनाइए। मैं कल फिर से नए वीडियो बना के लाऊँगा आप सबके लिए। जो भी आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे पिक्चर अपलोड करते रहते, तो अपना पिक्चर जो है ना वो ऐसे ही क्रेज़ी कुछ नया कुछ अट्रैक्टिव बनाइए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर से नए वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।